हेलो फ्रेंड्स, अवर टुडेज सेशन इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नाउ इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। सो नाउ आई थिंक यू नो कि वाई इक्विवेलेंट सर्किट इज रिक्वायर्ड। तो काम क्या है इक्विवेलेंट सर्किट का, क्यों हर मशीन में हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर डिफाइंड ही करते हैं। सो नाउ दैट इक्विवेलेंट सर्किट गिव द बेसिक आइडिया अबाउट ऑफ योर मशीन। सो मैथमेटिकल अगर आपको मॉडलिंग करना है कि भाई ये मेरा इंडक्शन मोटर है, तो उसको मैं हाउ आई कैन एक्सप्लेन, हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दैट मशीन बाय सम डिफरेंट पैरामीटर। कि भाई हमने ये ड्रॉ तो कर दिया कि भाई ये मशीन है, इस तरह नॉर्मली हम बता देते हैं कि भाई कि ये इंडक्शन मोटर है। ओके, सो बट इसमें ये रोटर है और ये स्टेटर है और यहाँ कुछ हम सप्लाई देते हैं। इफ इट इज थिंग थ्री फेज देन थ्री फेज सप्लाई इज देयर, इफ इट इज सिंगल फेज दो दिस इज योर सिंगल फेज। ओके, तो ये नॉर्मली पिक्चरियल व्यू हमें पता है कि भाई इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, बट नाउ मैथमेटिकली हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्मली हम इसमें ऐसा क्या करते हैं कि भाई पता चले कि भाई इंडक्शन मोटर है, तो उसमें हम स्टेटर है, तो स्टेटर में पता है कि भाई वाइंडिंग कोर है एंड वाइंडिंग है। सो वाइंडिंग हैविंग सम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, को उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई इंडक्टेंस से और रेजिस्टेंस से। सो ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है फिर आपका, स्टेटर बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेटर बता रहा है। सेम वे रोटर में भी वाइंडिंग होती है और कोर होता है। सो वाइंडिंग हैविंग सम रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस, सो इंडक्टेंस मीन्स रिएक्टेंस। सो अगेन रोटर इज इंडिकेटेड बाय दिस। स्टेटर होगा तो आर वन एक्स वन के फॉर्म में होगा, रोटर होगा तो सॉरी आर वन एक्स वन के फॉर्म में होगा एंड रोटर होगा तो आर टू एक्स टू के फॉर्म में होगा। ओके, सो वी कैन नाउ से दैट दिस इज माई स्टेटर एंड दिस इज माई रोटर। अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है, लेट्स से कि वाइंडिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस बच जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड आर टू इज इंक्रीज वी कैन से। ओके, सो फाइनली नाउ अवर मॉडल बिकम फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहाँ से इस तरह का मॉडल फॉर्म जनरेट हो जाता है। ओके, सो उसमें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ना ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है। ओके, सो इट इज़ सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट मशीन। ओके, सो इक्विवेलेंट सर्किट हमने ऑलरेडी डिफाइंड किया है इंडक्शन मोटर का, और उससे पहले भी अगर आपने देखा हो इन लास्ट सेमेस्टर यू हैव गॉन थ्रू दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सो उसमें भी आपने डिफाइंड किया है कि भाई ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट कि भाई क्या क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट। तो नाउ लेट्स से नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल, अब हम सिंगल फेज की बात कर रहे हो। ओके, तो डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी ऑप्टेन बाय मैथड, टू मैथड बेसिकली, डबल रिवॉल्विंग थियरी एंड क्रॉस फील्ड थियरी। नॉर्मली हमें किस तरह पता चलता है कि मैथड किस तरह इक्विवेलेंट सर्किट डिफाइन करते हैं, फॉर दी सिंगल फेज वी हैव दिस डबल रिवॉल्विंग थियरी एंड क्रॉस फील्ड थियरी। अब हमें पता है कि भाई व्हाट यू मीन बाय द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी, तो दो फ्लक्स जनरेट होते हैं इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो पता होना चाहिए, और दोनों एक फॉरवर्ड में होगा एक रिवर्स में होता है। ओके, तो नल जो आउट रिजल्टेंट मिल रहा है अगर सेम मैग्नीट्यूड से मिल रहा है तो रिजल्टेंट वो जीरो होता है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी दिस इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो चीज़ हमें इक्विवेलेंट सर्किट में बतानी पड़ती है कि ना ये चीज़ हो रही है एट द स्टार्टिंग। ओके, सो उसके बेस पे हम इक्विवेलेंट सर्किट को डिफाइन करते हैं। नाउ फर्स्टली द इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल थियरी वेयर ओनली द मेन वाइंडिंग इज एनर्जाइज। ओके, तो अब डबल फील्ड में हमें पता है कि वहाँ एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमें यूज़ नहीं करते। अब सिंगल फेज में पता है कि भाई सेल्फ स्टार्टेड इंडक्शन मोटर नहीं है, तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड अगर डिफाइंड करो तो देर इज़ ओनली टू वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग।
okay, means main winding, that is a stator winding and rotor winding, we can see. दो ही वाइंडिंग होती है, उसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती है. कन्वेंशनल की बात करो तो दैट विल रिप्रेजेंट द रिवोल फ्लक्स, दैट डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी. अगर हमें उसको घुमाना है सम हाउ तो वी रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा वाइंडिंग एट अ स्टार्टिंग. तो स्टार्टिंग में कुछ हमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग चाहिए, ओके, स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा वाइंडिंग चाहिए या सम फोर्स चाहिए. तो फोर्स तो एक्सटर्नली हम नहीं अप्लाई करते, बट एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग वहाँ पुट करते हैं जिससे फेज डिफरेंस हो जाए फ्लक्स में और फील्ड में और आपको टॉर्क मिले. ओके, सो वी हैव एट दैट टाइम V1, ∅1 एंड ∅2, फाइनली वी गॉट सम टॉर्क. ओके, वो नॉर्मली होता है. ओके, सो नाउ कंसिडरिंग द केस व्हेन रोटर इज स्टेशनरी एंड ओनली मेन वाइंडिंग इज एक्साइटेड, द मोटर बिहेव लाइक अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. अब जो हमें पता है कि भाई मोटर बेसिकली तो वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर. ओके, तो जब भी आप इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हो इंडक्शन मोटर की, द कंपेयर विद दैट ट्रांसफार्मर. ओके, तो बेसिक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये ट्रांसफार्मर में ये चीज़ थी, दैट्स वाई ये यहाँ है. अब जब रोटेशन में आएगा तभी थोड़ा इंडक्शन मोटर में चेंज आता है, बिकॉज जब रोटेशन में आएगा तब स्लिप पिक्चर में आ जाती है. ओके, सो वी कैन से द मोटर बिहेव लाइक अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ इट्स सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड. ओके, द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज मोटर विथ ओनली मेन वाइंडिंग इज एनर्जाइज इज गिवन हियर. सो हियर VM दैट इज अ सप्लाई वोल्टेज, IM दैट करंट गोज थ्रू द स्टेटर साइड, दिस इज स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर इंडक्टेंस, रिएक्टेंस. ओके, दिस इज अ रोटर साइड पैरामीटर, रोटर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एंड दिस इज अ मेन वाइंडिंग, दिस विल जनरेटेड EMF इन द रोटर साइड, सॉरी स्टेटर साइड. ओके, जैसे ही सप्लाई वाइंडिंग में देंगे EMF इज जनरेटेड, दैट लो वी नो. ओके, सो नाउ हियर जो भी दिया है वही के दैट R1 इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग, X1 लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर, XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, R2 डैश दैट इज अ स्टैंड. अब जो डैश इंडिकेट कर रहे हैं हम, दस R2 एंड X2 डैश, सो डैश दैट इंडिकेट इज रिफर टू द स्टेटर साइड, हे रोटर के पैरामीटर, बट इट्स रिफर टू द स्टेटर साइड. इक्विवेलेंट सर्किट में हम अगर याद हो तो ट्रांसफार्मर में ये हमने डिफाइंड किया है कि भाई टर्न्स रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि भाई X2 डैश इज नथिंग बट दैट इक्विवेलेंट टू द स्टेटर साइड पैरामीटर. सो R2 डैश एंड X2 इज अ स्टैंड स्टील रोटर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू द मेन स्टेटर वाइंडिंग, रिफर टू द स्टेटर साइड. ओके, VM इज अ अप्लाइड वोल्टेज एंड IM इज अ मेन वाइंडिंग करंट और मेन करंट. ओके, सो नाउ द लॉसेस विल अज्यूम टू बी अ लम्स विद द मैकेनिकल एंड स्ट्रे लॉसेस एज अ पार्ट ऑफ रोटेशन लॉस ऑफ रोटर. अभी रोटेशन स्टार्टिंग में नहीं होगी. द पल्सेटिंग एयर गैप फ्लक्स इन द मोटर एट द स्टैंड स्टील इज रिजल्ट इन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फ्लक्स. अब ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरीज बेस है, तो दो फ्लक्स जनरेट हो गए ड्यू टू द सिंगल फेजेज. ओके, एंड दे बोथ आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. सो द स्टैंड स्टील इम्पीडेंस ऑफ ईच रोटर रिफर टू द मेन स्टेटर वाइंडिंग इज गिवन बाय नॉर्मल. किस तरह हम देंगे, तो दिस इज दैट R2 डैश बाय 2 प्लस जे X2 डैश बाय 2, बिकॉज दो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 हम कर रहे हैं. ओके, नाउ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ अ स्टैंड स्टील रोटर इज शोन बिलो. बिलो इन द सेंस मीन्स आगे दिखाया हुआ है, ये वाला. ओके, ये वाला अब गिवन. ओके, दैट शोन इन बिलो. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई जो ये मेन हमारा मेन वाइंडिंग है, अब जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लक्स, ये रिएक्टेंस दिया हुआ है, जो मेन वाइंडिंग था उसका डिवाइड होगा. तो दिस इज द थिंग. सो दिस इज़ फॉर द फॉरवर्ड फॉर्म एंड दिस इज फॉर द बैकवर्ड और रिवर्स फॉर्म. ओके, सो वी कैन से नाउ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज वाइंडिंग इंडक्शन मोटर विद द स्टैंड स्टील रोटर शोइन बिलो. द फॉरवर्ड
and the backward flux induced in the voltage is basically given by EMF and EMB forward, and this is backward in the main winding. EM is a resultant of जो main EMF generate हो रहा है, that is a resultant, I mean summation of that two, कि भाई forward और reverse का summation है, okay? अब standstill में तो पता है कि भाई ये value same आएगी, okay? EMF equal to EMB, okay? वो हमें पता है कि भाई standstill अगर अगर run ही नहीं कर रहा है तो ये same. Now with the help of auxiliary winding. अब हमें पता है कि भाई इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, सो बाय यूजिंग ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी आर रोटेटिंग द मशीन. ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग मोटर इज स्टार्टेड. एट द मोटर अटेन इट्स नॉर्मल स्पीड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज रिमूव. दैट वी नो नाउ कि भाई स्टार्टिंग के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को यूज़ कर रहे हैं. Now, but the effective rotor resistance of induction motor depend on the slip of the rotor. अब जब rotation में होगा तब slip picture में आएगी, okay? वो हमें पता है कि भाई rotor resistance अब slip के साथ multiply होगा. जो भी parameter है rotor sides के current है, resistance है, वो सारे slip के साथ picture में आएंगे, okay? बिकॉज रनिंग कंडीशन में आ गया ना, दिस इज द इंडक्शन मोटर. ओके, सो स्लीप इज देयर. ओके, सो नाउ सो दिस इज द दैट सर्किट. ओके ओके सॉरी. ओके, सो हियर आई एम, दिस इज अ मेन वाइंडिंग एंड दिस इज योर फॉरवर्ड ई एम एफ जनरेटेड एंड दिस इज अ बैकवर्ड ई एम एफ. वो जनरेट हो रहा है और किसके बेस पे हो रहा है, सो वी हैव दिस एक्स एम बाई टू जो मेन वाइंडिंग था डिवाइड बाई टू मेन वाइंडिंग डिवाइड बाई टू. सेम वे रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बाई टू रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बाई टू. ओके, सो द सम ऑफ दिस टू विल गिव द जेड एफ. सेम सम ऑफ दिस विल बी द जेड एफ. ओके, नाउ इन अबव सर्किट डायग्राम द एयर गैप पोर्शन इज स्प्लिट इन टू टू पार्ट. द फर्स्ट पार्ट शो द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स एंड द सेकेंड पार्ट शो द बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स. नाउ द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स इज आर टू बाई टू इंटू एस. सो इट्स आर टू बाई टू इंटू एस. ओके, आर टू बाई टू इंटू एस. ओके, एंड दिस इज आर टू बाई टू इंटू टू माइनस एस. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, और ये कब है, जब रोटेशन में आता है. तो ये इक्विवेलेंट सर्किट कहाँ है, दिस इज माई दैट दिस इज. ओके, वो पीछे आ गया है. दिस इज दैट जो हम बात कर रहे हैं. अब देखो ये है आर टू डैश बाई टू टू एस एंड आर टू डैश बाई टू इंटू टू माइनस एस. ओके, सो अब ये कब की बात है, जब रोटेशन इज देयर. ओके, नाउ विद द व्हेन द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लिप आर टेकन इनटू अकाउंट. दोनों में जब फॉरवर्ड और रिवर्स में जब स्लिप पिक्चर में हम लेते हैं, सो एट दैट टाइम इक्विवेलेंट सर्किट शो इज बिलो. अब जनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है इक्विवेलेंट सर्किट, बिकॉज स्लिप कमिंग द पिक्चर. हमने बोला है कि भाई रोटेशन होगा तो स्लिप पिक्चर में आ जाएगा. सो दैट इज वी कैन से इज सेम एज इन इंडक्शन मोटर जो हो रहा है वही. तो ये है अब हमारी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, नाउ द रोटर इम्पीडेंस रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड फील्ड रिफर टू द स्टेटर वाइंडिंग means main winding and given impedance and given by the impedance show below. Okay, अब ये आएगा. देखो ये तो आपका main wind जो वो आगे देखा वो तो था, इसमें ऐड क्या हो रहा है, ये पोर्शन ऐड हो रहा है, उसमें भी ये वाला पोर्शन स्लिप पिक्चर में आ जाएगा. ओके, और ये जो दो है means this is x2 dash by 2 plus r2 dash r2 by 2 into s सॉरी आर टू डैश बाई टू एस दैट इज नथिंग बट अ जेड एफ इम्पीडेंस है. सेम वे दिस एक्स टू डैश बाई टू प्लस आर टू डैश बाई टू अपॉन टू माइनस एस दैट इज अवर जेड बी. ओके, बैकवर्ड इम्पीडेंस. ओके, सो नाउ हियर दैट आर टू डैश बाई टू टू एस प्लस जे वन बाई टू एक्स टू डैश दिस वाला पोर्शन इज पैरेलल. ये किसके साथ पैरेलल में है, यहाँ के साथ पैरेलल में है. ओके, अब जेड तो जेड फॉर ये क्या होगा, बिकॉज हमें ये टोटल पिक्चर में लेना है जेड. जेड मीन्स इम्पीडेंस. ओके,
तो ये तो पैरेलल में है, तो अगर यू सॉल्व द पैरेलल इक्वेशंस, ओके पैरेलल में होगा तो हम अगर सॉल्व करते हैं, सो नाउ योर जेड अप क्या होगा, तो जेड अप कुछ इस तरह बनेगा, आर टू डैश बाई टू एस प्लस जे वन बाई टू एक्स टू डैश, ये दोनों इसके साथ पैरेलल है, ओके। तो पैरेलल सर्किट का इक्वेशन पता है, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, वही यहाँ इक्वेशन डिफाइन किया है। सो जे वन बाई टू एक्स एम, और ये नीचे वाला पोर्शन तो ये सब का सम ही आएगा ऑब्वियस, ओके। सो दिस इज माई जेड एप, सेम वे आई कैन राइट दिस, सेम वे आई कैन राइट दिस, दैट इज अ बैकवर्ड इम्पीडेंस, ओके, बिकॉज ये वाला पोर्शन इसके साथ पैरेलल में आ रहा है, ओके। तो ये इसका इक्वेशन, ये वाला पोर्शन इसके साथ है, तो टोटल जेड भी क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल है, तो सम दैट इज दिस, तो दिस इज दिस टू इज अ वी कैन से आई एम पी इक्वेशन, दैट इज अ फॉरवर्ड इम्पीडेंस एंड अ बैकवर्ड इम्पीडेंस ऑफ दैट सर्किट, ओके। सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस, एंड फाइनली वी कैन से अगर वो दोनों का इक्वेशंस अगर डायरेक्टली हम डिफाइन कर रहे हैं, सो आई कैन डायरेक्टली राइट कि भाई ये मेरा स्टेटर साइड सर्किट, नाउ दैट इज माई रोटर साइड सर्किट, नाउ अब ये मेरा रोटर साइड, वेर जेड एफ प्लस जेड बी, ओके। अब यहाँ के वी एल अप्लाई करे तो विच वॉट इज़ माई आई, आई करंट क्या होगा मेरा, वी बाय आर, आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर, वोल्टेज कितना है, वी एम है, अब आर, आर यानी मेरा इम्पीडेंस आएगा, यहाँ तो मेरा इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस कितने हैं, एक ये है और एक ये है, सो जेड, सो आई कैन राइट आई इक्वल टू वी बाय एक इम्पीडेंस जेड वन एम प्लस जेड ए प्लस जेड बी, सो दैट इज दिस इक्वेशन, ओके। सो मेन करंट दैट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके। सो आई होप यू हैव नाउ क्लियर विद द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ओके। सो हियर आई जस्ट एंडेड अवर सेशन, ओके। सो लास्टली दैट यू हैव वन असाइनमेंट क्वेश्चन, दैट इज अ सिंगल असाइनमेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। सो नाउ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।